हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता फैमिली। और कैसे हैं आप सब? गर्म सब अच्छे ही होंगे और गर्मी जो आ रही है उनका मजा लेना स्टार्ट कर दिए होंगे। और गर्मी आ गई, मेरे आपको फेस से ही लग रहा होगा, देखिए कितना स्वेटी स्वेटी फेस हुआ है और पसीना होना स्टार्ट हो गया। मैंने अभी एसी नहीं चलाई है। इन सब बातों से एक बात तो क्लियर हो गई कि मेरा टॉपिक, मेरा जो वीडियो है वो गर्मी के ही ऊपर है। तो आज जो मेरा है, जो गर्ल्स का जो फेवरेट वीडियो होता है कि समर कुर्ती, समर कुर्ती हॉल, तो समर के लिए मैं कुछ कुर्ती का और प्लाजो सेट का रिव्यू लेके आई हूँ और हॉल वीडियो भी, कि वो कैसा है, गर्मियों के लिए बेस्ट है कि नहीं बेस्ट है, धुलने के बाद श्रिंक होगा कि नहीं श्रिंक होगा, कलर फेड होगा कि नहीं होगा। दो तीन मैंने मिंत्रा के जो मतलब बेस्ट जो बेस्ट सेलर थे कुछ कुर्ते मैंने लिए हुए हैं, तो चलिए देखते वो कैसे हैं। और वो सारे धुले हुए हैं तो प्लीज़ थोड़े रिंकल्स को इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैंने प्रेस नहीं किया है, मतलब आयरन नहीं किया है, डायरेक्ट धुल के सुखा के लेके चलिए वीडियो बनाने के लिए। और उसको दो दिन बाद पहन भी चुकी हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। बट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, तभी तो मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो ले आ पाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सारे कुर्ते दिखाना कि वन बाय वन कैसे कुर्ते हैं। और उसमें सबके लिए सब कुछ है, लाइट कलर, डार्क कलर, स्लीवलेस, थ्री फोर स्लीव, सब कुछ है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग पूरी वीडियो। मेरा पहला कुर्ता है, ये बहुत ही प्यारा प्रिंट है गाइस, और ये ना मतलब ट्रेंडिंग है। इसको आप मिंत्रा पे रिव्यू भी चेक करेंगे तो बहुत इसके पॉजिटिव वे में रिव्यू दिखेंगे। तो इस पर्टिकुलर ब्रांड, जो ये ब्रांड दिया हुआ है अनन्या ब्रांड का ये कुर्ता है गाइस। और इसका जो नेक पैटर्न है ना, ये बोट नेक टाइप का आपको इसका गला दिया हुआ है, जो बहुत ही खूबसूरत है। मतलब पीछे और आगे दोनों एक ही साइड का नेक का डिज़ाइन दिया हुआ, पैटर्न सेम है। और ये स्लीवलेस कुर्ता है, इसमें स्लीव्स नहीं है। और कपड़े की रही बात तो इसमें कुछ इस टाइप का डिज़ाइन दिया हुआ, पास से क्लोजर लुक दे देती। ये ब्लैक एंड व्हाइट तो है ही, नेवी ब्लू एंड व्हाइट, प्लस इसमें ऐसे थ्रेड देखिए, एक लाइट से थ्रेड की पूरे ओवरऑल कुर्ते में डिजाइन दी हुई है, जो इसकी खूबसूरती में ना चार चांद लगा देते हैं। इस कुर्ती में ऐसे नहीं दिखेगा, बट मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, लेने के बाद मैंने देखा तो वाकई में कुर्ता वाकई बहुत डिसेंट है। अगर ब्लू लेगिंग्स एंड ब्लू दुपट्टा या व्हाइट लेगिंग्स व्हाइट दुपट्टे पहनते तो बहुत ही अमेजिंग लुक देगा। अगर ब्लू डेनिम के साथ भी देखेंगे ना एंकल लेंथ की, तो और ज्यादा कूल लगना है गर्ल्स, आप एकदम छा जाओगे। हाँ, और एक क्या काम करना है कि जब मैंने लिया ना तो ये थोड़ा अंडर आर्म्स में बहुत लटक रहा था, तो दिख रहा था, तो मैंने क्या किया ना, टेलर के पास गई और मैंने इतना सा मतलब इत्तू सा, मैं आपको दिखा देती हूँ एक मिनट, बस इत्तू सा मैंने ऑल्टर करा ली, मतलब ये कोना पकड़ के जैसे मैंने ऐसे कोना पकड़ा ऐसे और मैंने ऐसे ऑल्टर करा दिया, तो जो चीज़ लटक रहा था ना बस मैंने इतना ऑल्टर करा, तो मेरा ये चीज़ टाइट हो गया, मतलब मेरे एकदम शोल्डर तक ही आया, तो मुझे इन्वेस्टमेंट फील नहीं हुआ। तो अगर आपको थोड़ा सा लंबा लगता है तो रिटर्न मत करिएगा, यहाँ जाइएगा जो कपड़े ऑर्डर करते हैं उनसे, बस हल्का सा ऐसे इतना ऐसे करवा लेना पूरा और ये टाइट हो जाएगा, फिर आपको एकदम फिटिंग वाला हो जाएगा कुर्ता। और धुलने पे कैसे, धुलने पे ये हल्का सा कलर छोड़ेगा, क्योंकि डाई वाला कपड़ा लग रहा है देखने में, तो हल्का सा कलर, ज़्यादा नहीं कि दूसरे कपड़े रख दे, हल्का सा कलर। तो पहले बार में नमक वाले पानी के साथ वॉश करेगा। और ये श्रिंक होता है कि नहीं श्रिंक होता है, तो मिंत्रा में बहुत लोगों ने कहा कि श्रिंक नहीं होता है, पर ट्रस्ट मी गाइस, जब मैंने दिया तो मुझे लूज था, अब मेरे एकदम टाइट हो रहा है, तो मैं सोच रही थोड़ा पतली हो जाओ फिर मैं इसको पहनूं, तो मेरे ये हल्का सा फिटिंग हो रहा है, मतलब इट मीन्स कि ये श्रिंक हुआ है कुर्ता, नहीं तो ऐसे कैसे टाइट हो जाता है। मैं मोटी हो गई अचानक से, मोटी तो हुई हूँ पर इतनी भी नहीं कि लूज कुर्ता टाइट हो जाए, और तो ये हल्का सा टाइट हो, इसका मतलब कि थोड़ा सा श्रिंक हुआ है कुर्ता ये। और कुर्ते की जो लेंथ है वो बहुत ही अच्छी थी हुई है, तो मैं आपको एक लुक दिखा देती हूँ दूर से। कुर्ते की लेंथ मतलब वही घुटने से नीचे, आपके नी लेंथ से के नीचे तक है, जैसे नॉर्मल जो कुर्ता होता है उस टाइप का है। तो बैक भी पोर्शन मैं आपको दिखा देती हूँ, बैक साइड से भी सेम आएगा, तो पता नहीं चलता कि कौन सा बैक पार्ट है कौन सा फ्रंट पार्ट है, तो पीछे जो लोगो लगा रहता ब्रांड का उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये मेरा फर्स्ट कुर्ता है, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब चलती है चलते सेकंड कुर्ते पे, और इसके साथ साथ उन्हें प्यार और सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सेकंड कुर्ते पे चलते हैं। कुर्ता है मेरा एनॉक ब्रांड का कुर्ता प्लाजो सेट है, एनॉक बाय मिंत्रा, और ये एक्सेल है, जो मुझे लूज मतलब मुझे लूज फिटिंग कुर्ते पसंद है। अगर मैं एल लूज मेरे फिटिंग का आएगा तो मुझे कॉटन गर्मी के ना कुर्ते फिटिंग के नहीं पसंद आते, लूज ही आते। और ये आज ही मैंने वॉश किया, कलर लग गया, इसके साथ मैंने पिंक दुपट्टा रख दिया घोल के, तो उसी में आकर कलर चिपक गया। बट मैं बता दूं ये कुर्ता बेस्ट वन है, अगर आप प्योर कॉटन कुर्ता धुले तो आप धुलने पर देखिए एकदम श्रिंक से, देखिए ये प्योर कॉटन कुर्ता है, और मैं धुल के भी सुखा के लेके आई हूँ। इसकी थ्री क्वार्टर स्लीव्स है, कुछ इस टाइप से आपको डिजाइन रहेगा, और बहुत बढ़िया इसका मतलब कुर्ता बेस्ट है, नॉक ब्रांड वाकई बेस्ट है। इनके कुर्ते प्लाजो सेट बहुत गजब के होते हैं, ये धानी कलर मतलब लाइट ग्रीन कलर का कुर्ता है, और साथ में ब्लू पूरा ऐसे आपको लाइनिंग दी हुई है, एंड कलर कोई बात नहीं, मैं अगर दुपट्टा वैसे भी लेती हूँ तो दुपट्टा ढक जाएगा, थोड़ा सा सैड है ज़्यादा नहीं। लेकिन कुर्ते की मैं बताती हूँ, ये
प्योर कॉटन है, पहली बार में हल्का सा लगेगा कि टाइट है, चुभने वाला खाली टाइप का कपड़ा है, लेकिन नहीं, धुलने पे सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, इसका कलर भी नहीं फेड होता है, कलर बिल्कुल नहीं छोड़ेगा ना तो श्रिंक होगा। बट इसमें एक आयरन की जरूरत है, आयरन करने से पहले आप इसमें थोड़ा पानी के छिट्टे मार लीजिएगा, उसके बाद आयरन करेंगे ना तो गुड टू गो। बहुत अच्छा कुर्ता विद साइन, मैं आपको क्लिप भी शेयर करूँगी। मैं कल बेटे के स्कूल गई थी तो पहना था, पिंक दुपट्टे पिंक लेगिंग्स के साथ, बहुत ही कूल लग रहा था विथ रेड बिंदी, तो मुझे बहुत ही अच्छा सेट लगा। ब्लू लेगिंग्स ब्लू दुपट्टे के साथ भी अच्छा लगेगा और पिंक के साथ भी इसका बहुत अच्छा खुल के कलर आ रहा था। तो कुर्ता सिंपल गोल गले का है, आगे कोई डिजाइन नहीं है और बैक साइड से भी सिंपल गला है, कोई डीप नेक वाला पैटर्न नहीं है, पीछे कलर नहीं लगा, कलर मेरे बस फ्रंट में लग गया तो चलो अच्छा, पीछे दिखेगा तो कोई वो नहीं है। एंड कुर्ता का लेंथ बहुत अच्छा है, लॉन्ग लेंथ कुर्ता है, बहुत लंबा नहीं, जैसे नॉर्मल साइज का कुर्ता होता है सेम उसी तरह का कुर्ता है। ये प्रेस नहीं है तो इसकी असली औकात दिख रही है आप लोग को, कोई डेंटिंग पेंटिंग नहीं। प्रेस करने के बाद बहुत अच्छा कुर्ता हो जाता है नो डाउट, और गर्मी में स्वेटिंग बहुत होती है, मैं इसको 2-3 से 3 बार पहन चुकी हूँ तो गर्मी से रगड़ के कारण, अभी नया ही है मैंने 2 से 3 बार पहना तो देखिए पसीने से कैसे रगड़ खा गया है, और ये देखिए धुलने पे, तो इसका मतलब कि बहुत जल्दी ही आप जितना जल्दी यूज़ करेंगे रफली उतनी जल्दी ख़राब भी होगा, तो आपके यूज़ करने के ऊपर होता है आप कितना डेडिकेशन से इसको यूज़ करते हैं। तो चलिए एक लुक आपको प्लाजो का भी दिखा देते हैं। इसको गाइस प्लाजो पसंद हो ना, इसमें क्या थोड़ा सा ड्रॉबैक क्या रहा ना कि कुर्ता जैसे मैंने एक्सेल लिया है तो ये एक्सेल ही प्लाजो है बट मुझे लूज़ है, तो आप चाहो तो साइड साइड से फिटिंग करा सकते हो, क्योंकि एक साइज़ छोटा लेना तो फिर कुर्ता टाइट मिल जाएगा, प्लाजो का साइज फिटिंग रहेगा। प्लाजो में सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि हल्का हल्का यहाँ से आप फिटिंग करा लोगे तो सही रहेगा। मैंने कराई नहीं क्योंकि मैं प्लाजो ये नहीं पहन रही हूँ, बता रही मैं पिंक लेगिंग्स के साथ पहन रही हूँ, और मैं बाद में रीजन देती हूँ। एक्चुअली हुआ क्या ना कि सब ऊपर नीचे सेम टू सेम होगा तो मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि मुझे इतने चौड़े प्लाजो पहनने नहीं पसंद है। देख सकते हो आप कितना चौड़ा, कई लोगों को प्लाजो अच्छा लगता है तो ये उनके लिए बेस्ट है, मतलब प्लाजो पसंद है ना मतलब ब्रॉड साइज़ का, तो ये नीचे से जैसे थोड़ा सा ब्रॉड है तो उनके लिए तो बेस्ट है प्लाजो। और जैसे मुझे पैंट स्टाइल ज़्यादा पसंद आता है तो मैं इसको भी क्या करने वाली हूँ ना, इसको हल्का सा ऐसे साइड से फिटिंग कराऊंगी जाके टेलर से, जो पैंट स्टाइल में हो जाएगा, प्लस यहाँ से कटवा के एंकल से ऊपर करवा दूंगी। ये पूरे मेरे साइज़ का है, मतलब पूरे स्लीपर तक सैंडल तक आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके मतलब ऐसा एंकल से ऊपर, एंकल लेंथ या एंकल से थोड़ा ऊपर तक कट कराऊंगी, तो ये और भी स्मार्ट लुक देगा। थोड़ी मेहनत है लेकिन ठीक है, बेस्ट प्लाजो हो जाएगा। तो अगर कुर्ता प्लाजो सेट के आप बहुत बड़े वाले फ़ैन हो ना तो ये बेस्ट पेयर रहेगा कुर्ता प्लाजो का। इसके 2-3 और ऑप्शन अवेलेबल है डिफरेंट कलर के, तो मैं आपको वो भी लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लीजिएगा। और सेम ब्रांड है तो भाई फैब्रिक बहुत ही अच्छा है, फैब्रिक प्योर कॉटन, आप देख सकते कितना सुकड़ू सुकड़ू सा है धुलने के बाद, तो उसको आयरन करना पड़ेगा पानी के छिट्टे डाल के, और बिल्कुल भी रोए भी नहीं आए हैं धुलने के बाद, जो रोए आ जाते तो ऐसा कोई कपड़ा नहीं, कपड़ा बहुत ही बेस्ट है। एंड प्लाजो का पसंद है तो प्लाजो तो बहुत ही बढ़िया, इसका फ्लोई प्लाजो है, मतलब चौड़ा चौड़ा आराम से लहराता वो चलेगा। अब चलिए चलते अपने थर्ड कुर्ते पे, जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट है सच्ची, मगर उसका दूसरा पीस मिला ना मैं दूसरा पीस ले लूँ, तो चलिए चलते हैं। ये है मेरा थर्ड वन कुर्ता जो मेरा मोस्ट फेवरेट है, आई थिंक जो वीडियो देख रहे होंगे ना कि उनका भी सबसे मोस्ट फेवरेट कुर्ता होगा, आ गया। तो ये जो है ना लाइट पिंक कलर में ये कुर्ता है, पीच पिंक जो भी बोल सकते हो आप, और ये कुर्ता गाइज मैं 1 साल से इसको देख रही थी कि थोड़ा कम रेंज में हो जाए, तो गाइज ये 629 से नीचे हो ही नहीं रहा था, तो मैं इस कुर्ते को 629 रुपये में लिया, और मैं काफ़ी दिन से ताड़ रही थी कि कुर्ता मुझे लेना ही लेना है। और कुर्ता बहुत ही खूबसूरत, इसके मुझे पैटर्न डिज़ाइन बहुत पसंद है, थोड़ा सा गला का फिटिंग अच्छा नहीं है, ये अंदर से बार बार उठ जाता है, बट डोंट माइंड, इतना चलता है थोड़े के लिए, तो थोड़ा अच्छे के लिए ना थोड़ा बुरा इग्नोर करना पड़ता है, तो इसका नेक ऐसा कुछ आएगा इस टाइप से, पहले मुझे लगा गोल है लेकिन अब ऐसा नहीं, गोल नहीं ऐसा है, तो आयरन कर देते ना तो ये अंदर तरफ ऐसे बैठ जाता है। एक्चुअली मेरा थोड़ा लूज कुर्ता है, मेरा एकदम झोला टाइप का मुझे कुर्ता होता है, क्योंकि गर्मियों में ना मुझे जाना पड़ता है धूप में, तो मुझे बहुत चिपके कपड़े नहीं चाहिए होते, लूज कपड़े चाहिए होते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। सबसे बेस्ट बात क्या है कि धुलने पे श्रिंक नहीं होता ये कुर्ता, सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें ये श्रिंक नहीं होता है, और इसमें जैसा लिया था सेम एज इट इज़ कुर्ता वही है, बिल्कुल भी श्रिंक नहीं हुआ, कलर भी नहीं फेड हुआ, सबसे बेस्ट पार्ट इसमें ये है। और इसके जो पॉम्पम लगे हुए ना साइड में, ये इसकी खूबसूरती में चांद चांद लगाते, तो इसको आप हैंड वॉश करोगे तो ये थोड़ा ज़्यादा दिन चलेगा, मशीन वॉश में तो एक दिन में इसकी वाट लग जाएगी, क्योंकि कहीं कहीं पॉम्पम किसी कपड़े में फंस गया
हो गया पूरे कुर्ते का सत्यानाश। तो प्लीज़ इसको आप देखिएगा कि इसको आप हैंड वॉश करो तो बहुत ही बढ़िया है, और नीचे तक पूरा पॉम्पम लगा हुआ है, तो कुर्ते की ना सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। तो मैं इसे कभी पिंक लेगीस पिंक दुपट्टा या वाइट लेगीस या वाइट दुपट्टा या ब्लू लेगीस ब्लू दुपट्टे के साथ कैरी कर लेती हूँ, और बहुत ही गुड, मतलब एक अच्छा लुक आता है, डिसेंट लुक, और साथ में गर्मी नहीं लगती, एकदम कागज़ टाइप का कपड़ा, इतना लाइट, मतलब ये शीयर नहीं है, देखिए मैंने अंदर हाथ डाले हुए हैं अंदर, लेकिन मेरी फिंगर नहीं दिख रही, बिल्कुल भी शीयर कुर्ता नहीं है, लेकिन है बहुत पतला, जैसे लगता है कि कागज है, और प्योर कॉटन नहीं है, लेकिन बिल्कुल गर्मी नहीं लगती गाइस, मतलब बहुत हल्का कुर्ता है। अगर आप वीडियो देख मेरा देख रहे हो ना, तो प्लीज़ ये कुर्ता आप मेरी तरफ से लीजिएगा, वाकई में बहुत लाइट वेट का कुर्ता है, बहुत ही हल्का है, और इसकी हर साइज़ अवेलेबल है, ये डबल एक्सेल है, नॉर्मली मुझे एक्सेल लगता है, लेकिन मैंने लूज से चक्कर में डबल एक्सेल लिया, सोचा रिटर्न कर दूंगी, लेकिन रिटर्न नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने कहीं और से ऑर्डर किया था, तो मुझे लेट हो गया, लेकिन मुझे अच्छा लगा, मैंने हल्का सा फिटिंग भी करा लिया। तो अगर आपको लेना हो तो सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब मेरा जो लास्ट और जो मोस्ट फेवरेट जो मुझे कलर, अब मैं एक्चुअली मेरा ये फेवरेट है समर के लिए, लेकिन वो ब्लैक में मेरा दूसरा फेवरेट है, तो चलिए मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ, वो दोनों ब्लैक सेट कि कैसे हैं, वो मैं पहन भी चुकी हूँ, मैं फोटो भी ये भी पहन चुकी हूँ, फोटो नहीं खींचा, लेकिन थोड़ा पार्टी वेयर टाइप का है ना, तो मैं उसकी फोटो शेयर कर दूँगी। चलिए चलते अपने ब्लैक वाले कुर्ते पे, और ये रहा मेरा फाइनल पार्टी वेयर, मुझे ब्लैक कुर्ता बहुत दिन से तलाश थी, तो ये मेरा इंडो एरा ब्रांड ने मेरा ये ख्वाहिश पूरी कर दी ब्लैक कुर्ते का। और सच में ये कुर्ता मैंने इतना पहना है यूपी जाके, इतना पहना है कि मतलब सब लोग जान गए कि मेरा ब्लैक कुर्ता है। और कैसा है ये तो मैं बता दूँ, इसमें मिरर की पूरी डिजाइन दी हुई है, और साथ में थ्रेड वर्क है, और ये पूरा आपको ये प्रिंट है, पूरा ये गोल्डन प्रिंट पूरे आपको कुर्ते में मिलेंगे, साथ में कहीं कहीं मिरर वर्क आपका दिया हुआ है, जो इसके कुर्ते की ना खूबसूरती में चार चार लगाते हैं, बीच में ये ऐसा टैसल टाइप का दिया हुआ है, डोरी दिया हुआ है, जो मुझे थोड़ा झंडू बम लगता है, कुर्ता है इतना महंगा, साथ में लटकन दिया ना, मुझे बहुत रद्दी लगता है इसको, मैं तो कैंची से काट के उड़ा दूंगी, फिर मैं सोचती कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए ना, तो मैं इसको कैंची से उड़ा के ना इसको आपस में नोट कर दूंगी, टेलर से करवा दूंगी, ठीक है, अभी चल रहा तो चल रहा है काम, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा अलग सा लगा, मुझे ये सब नहीं पसंद, आई डोंट लाइक इट, आपको कैसा लगता है मुझे ज़रूर बताइएगा। और थोड़ा रद्दी टाइप का टैसल यूज़ किया है, अच्छा यूज़ करते तो थोड़ा अच्छा भी लगता, चलो कोई बात नहीं। अब मैं आती हूँ इसके स्लीव्स पे, स्लीव्स इसकी थ्री क्वार्टर स्लीव्स है, ओवरऑल प्रिंट है, पीछे भी है और आगे भी है, और साथ में देखिए ये मेटल में कुछ इस टाइप का आपका ये पूरा आपका लेस टाइप का दिया है, ये आपका पूरा एक सितारा जैसे होता है ना आपको गोल्डन कलर का, और गोल्डन लेस के साथ पूरे आपके ऐसे स्लीव्स में डिजाइन दी हुई है, और साथ में इसके साइड में भी वो डिजाइन दी हुई है, ये आपको मिंत्रा की साइड पे ना आपके कुर्ते के पिक्स में नहीं दिखेगा, एकदम ऐसा क्लियर दिया हुआ है, लेकिन जब कुर्ता मुझे रिसीव हुआ तब मैंने देखा कि साइड में ऐसे पूरे डिजाइन दिए हुए हैं, और ड्राई क्लीन सजेस्ट हुआ है, तो मैंने इसको अभी तक वॉश नहीं किया, दो से तीन बार पहना, लेकिन मैंने और कुर्ता ना ऐसे बहुत अच्छा नीचे मतलब है कुर्ते के ना जो ये चौड़ाई है ना बहुत ज़्यादा है, तो है कुर्ता अच्छा ही है, और साथ में जी थोड़ा फ्रॉक स्टाइल कुर्ता है, मैं आपको बताना चाहूँगी वो कैसे, साइड तो ए लाइन कुर्ते वाले जैसा एकदम ऐसे स्लिट खुली हुई है, लेकिन आगे से आप डिज़ाइन देखोगे ना तो ये देखिए जैसे फ्रॉक वाले कुर्ते में से इतना कोटी दिया था, बाद में देखिए चुन्नट चुन्नट आगे ऐसे प्लेट्स पड़ी हुई हैं, ये देखिए आगे ऐसे प्लेटें पड़ी हुई हैं, तो प्लेटों की वजह से ना ये देखिए डिज़ाइन एकदम इसकी अलग टाइप की है, इतना ये अलग है पूरा, ऊपर का ब्लाउज पोर्शन पूरा अलग है और नीचे से पार्ट पूरा अलग है, ये पूरे प्लेट प्लेट आपके दिए हुए, तो कुर्ते ना एक अलग से फ्लो आ जाता कुर्तों में, तो मोटा पतला किसी टाइप का इंसान हो तो उसके ऊपर कुर्ता बहुत अच्छा लगेगा, और नीचे थोड़ा फ्लोई और घेरदार टाइप का कुर्ता लगता है, लगता है कि आपका फ्रॉक वाला, लेकिन फ्रॉक नहीं है, ये देखिए साइड से पर स्लिट ओपन है, तो ये फ्रॉक कम ए लाइन कुर्ता बोल सकते हो आप, देख सकते हो फुल आपको मैं दिखला देती हूँ, का बैक साइड आपको दिखाती हूँ कैसा है, बैक साइड में गाइस ओवरऑल प्रिंट दिया है, बिल्कुल भी प्लेन कुर्ता नहीं है ये, तो जिसको कम डिजाइन पसंद हो तो उनको नहीं पसंद आएगा, लेकिन जिनको पार्टी वेयर टाइप का हैवी कुर्ता, मतलब वैसे डिजाइन में हैवी नहीं, प्रिंट इसका हैवी दिया हुआ है, पीछे देखिए ये आपका हैवी प्रिंट डिजाइन पूरा दिया हुआ है, गोल्डन प्रिंट, और इस साइड में भी दिया हुआ है, इधर भी आपका पूरा दिया हुआ, स्लीव्स पे भी पूरा दिया हुआ है, तो ओवरऑल जैसे पार्टी वेयर आपको लाइट वेट में प्योर कॉटन कुर्ता चाहिए ना, तो ये बेस्ट है, और ये प्योर कॉटन है, मतलब सिंथेटिक नहीं है, आप गर्मियों में हल्की फुल्की पार्टी के लिए सड़ी गर्मी में कुर्ता ढूंढ रहे हो ना तो आप इसे ले सकते हो, और पीछे का साइड आपको वो जो लेस दिखाया था ना गोल्डन में वो नहीं लगा है, बस ये ऐसे फ्रंट में आगे दिया हुआ है, और शायद मेरा कहीं टूट के गिर भी गया कहीं पार्टी वार्टी में, तो आप देख सकते हैं पूरा बहुत ही अच्छे से यूज़ करना है ये पूरा, पीछे देखिए
पूरा ऐसे बूटे बड़े बड़े डिजाइन पूरे बने हुए हैं, पूरी ऐसे पीछे डिजाइन इस टाइप की दी हुई है बॉर्डर पे। तो कुर्ता ना बहुत ही खूबसूरत है, आप देख सकते हो। पीछे लेस नहीं है, केवल फ्रंट में दी हुई है, और कुर्ता पूरा बैक से पूरा प्रिंट दिया हुआ है आपका। तो चलिए देखते हैं दुपट्टा कैसा है। दुपट्टा गाइस कुछ इस टाइप का रेड कलर का है, मतलब बहुत खुला रेड नहीं है, दबा रेड है, ब्लड रेड जो होता है लाइट लाइट से दबा वैसा का है, और पूरा प्रिंट गोल्डन प्रिंट दिया हुआ है। और जो कुर्ते के कंपेयर में थोड़ा सा लाइट है दुपट्टा, काफ़ी लोग जब सूट देखे मेरे ऊपर तो उन्होंने पूछा इसी का दुपट्टा है क्या, मैंने कहा इसी सेट का दुपट्टा है। तो दुपट्टा शुड बी ब्राइट, बट ब्राइट नहीं है, इसको ब्राइट होना चाहिए था। और लेस ना बिल्कुल भी मतलब बहुत ही अच्छा नहीं ठहरता है, बहुत महंगा, बट उस हिसाब से दुपट्टा नहीं है, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट मैं यहाँ हुई थी। बिल्कुल कुर्ते के चक्कर में मुझे इसको रखना ही पड़ा, और दुपट्टा प्योर कॉटन है इसलिए मुझे थोड़ा सा ठीक लगा कि गर्मी में लेने में बहुत आराम है। अगर दिन में कहीं जाना चाहो, ब्लैक कुर्ता पहनने का मन है, तो प्योर कॉटन के कारण आप इसको पहन सकते हैं। दुपट्टा प्योर कॉटन, तो कोई सर वर पे भी लेने पर भी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत वैसा मतलब वैसा चुभने वाला कपड़ा नहीं, बहुत सॉफ्ट कॉटन है, आप आराम से ले सकते हैं, मुंह तक इससे बांध सकते हो आप अपना, मतलब इतना सॉफ्ट कॉटन, जो नॉर्मल कॉटन दुपट्टे होते हैं 120 130 वाले, ये वही है, मैं बस इसे प्रिंट कर दिया गया है। अब इसके साथ पैंट कैसा था मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। इसके साथ जो गाइस पैंट यूज़ किया था ना, ये पैंट मैंने अभी तक, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने नहीं पहना इसके साथ, क्योंकि ये ना प्योर कॉटन नहीं है, थोड़ा चिकना कपड़ा है, तो मुझे प्योर कॉटन ही पहनना था, तो ये प्योर कॉटन नहीं है, गर्मी में तो मेरी जान निकल जाती पहनने में, तो मैं इसको बाद में दूसरे किसी कुर्ते के साथ रेड या येलो या किसी के साथ मतलब पेयर कर लूँगी। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है ना कि ये थोड़ा नीचे इस टाइप का प्रिंट दिया हुआ है नीचे, तो बहुत प्लाजो नहीं है, पैंट है, ये चीज़ इसका कम है चौड़ाई, तो मुझे इसका ये फिटिंग अच्छा लगा। तो क्या करूँगी ना, मैं टेलर के पास जाके इसको थोड़ा यहाँ करवा दूँगी डिज़ाइन को, तो ये मेरा एंकल लेंथ का पैंट हो जाएगा, तो किसी भी कुर्ते के साथ बहुत ही मस्त ये पैंट हो जाएगा, मेरा ट्राउज़र हो जाएगा था। और मैं उसके साथ ये नहीं पहन रही हूँ अभी, ये न्यू ही है, मैं इसको एक भी बार नहीं पहनी, और इसके साथ पॉकेट भी दिया हुआ, तो जिसको प्योर कॉटन पैंट पहनना है तो वो नहीं पहन सकता, बट मिक्स चाहिए तो ये चल जाएगा, मतलब जो मिक्स पहनते होंगे ना तो ये पैंट पहन सकते हैं।